तो नेक्स्ट डे निकल पड़े हम हल्दी सेरेमनी के लिए पॉन्ड से पानी भरने। हम बंगालीज में रिचुअल होता है कि पॉन्ड से पानी भर के ब्राइड को जब हल्दी लगती है तो उसके बाद उसको उसी पानी से नहाना पड़ता है। और यहाँ हम सब ने येलो कलर के आउटफिट पहन रखे थे और टोटो किया था बड़े बूढ़ों के लिए, क्योंकि वो लोग चल के तो नहीं जा सकते, और हम लोग आ रहे थे पीछे पीछे डांस करते हुए, और मैं निकल पड़ी बिल्कुल आगे सबके साथ डांस करने के लिए। और यहाँ मोनी भाई और हम सब ने बहुत ज़्यादा डांस किया, और गर्मी तो पूछिए मत, बाप रे इतनी भयंकर पड़ रही थी, सब लोग पसीने से नहा गए थे पर फिर भी डांस किए ही जा रहे थे, क्योंकि यही तो टाइम होता है एंजॉय करने का, फिर कब टाइम मिलता है ऐसा। क्या करूंगा, जाओ तुम। ये बजाने वाले ले गए कुछ भी। और रियांश अन्वेषा की गोद में बैठा हुआ है और यहाँ सब उसको हल्दी लगाने के लिए बैठे हैं, और फिर हम सब ने उसको हल्दी लगाई। A few hours later. तो शाम हो गई है और मैं, मोनी और मम्मी यहाँ मेकअप कराने आए हैं। मोनी का तो मेकअप हो गया है और यहाँ मेरा मेकअप हो रहा है, और वेट कर रहे हैं फटाफट से मेकअप हो और हम शादी में जाए। Later that night. तो फाइनली हम लोग ऑटो में अपने वेन्यू तक पहुँच गए और हमने देखा कि लड़के वालों की भी एंट्री हो रही है और हम राइट टाइम पे ही पहुंचे। और रियांश यहाँ आके बहुत ही ज्यादा खुश है, अकेले अकेले खेल रहा है, इधर उधर देख रहा है, लोगों को देख रहा है, नए लोग हैं, नई जगह है, और उसको बहुत ही मजा आ रहा है ऐसे अकेले घूमने में। तो दूल्हा यहाँ मंडप में बैठ चुका है और अन्वेषा का वेट कर रहा है कब आएगी वो, और यहाँ सब लोग भाई और अन्वेषा की जीजा वेट कर रहे हैं उसको पीढ़ी पे बिठाने के लिए और लेके जाएंगे। बट अन्वेषा काफ़ी डर रही है यहाँ पे कि सब कुछ ठीक से हो जाए, बैठ जाए वो पीढ़ी पे ठीक से और सब लोग उसको उठा ले। सब लोगों ने जैसे तैसे उसको कन्विंस कर ही लिया है और अब बस उसको उठा के लेके ही जाएंगे। আরে তো যখন তোকে দেবে
तो फाइनली शादी हुई कंप्लीट और सुबह के 5 बज रहे हैं और सब काफी थक चुके हैं, हम भी बहुत थक चुके हैं और सब अपने घर जा रहे हैं। हम भी निकलते हैं आप अपने घर और रेस्ट करेंगे थोड़ा। और काफी इंजॉय किया सबने, बहुत ही मजा आया शादी में।